accent এর আসবে না কোন चलो आ गए सब लोग आ गए यस 59 लोग आ गए बाकी लोग आएंगे ठीक है तब तक हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो देखो क्या दिया है सो हम लोगों ने बेसिकली एक रिएक्शन देखी थी दैट इज योर बेरियम सल्फेट या फिर सल्फेट आयन व्हेन रिएक्ट्स विद योर बेरियम क्लोराइड BaCl2 इन प्रेजेंस ऑफ योर HCl इन प्रेजेंस ऑफ योर HCl एक्सक्यूज मी सर सर मैम सा लेक्चर चालू है कुठला मैम सा लेक्चर चालू है मैम का है अरे किती वाजता लेक्चर चालू त्यांचा कुठे साडे दहाला लेक्चर आहे पहिले दोन तर लेक्चर माझेच आहेत एक सेकंड द्या मला वन सेकंड होल्ड ऑन स्टार मेसेज हा थर्सडे IC1 and IC2 दहा 9 to 10 आणि 10 to 11 आहे आताशी किती वाजतात 10:30 वाजतात इतक्या लवकर त्यांनी कसं काय चालू केलं एक सेकंड कुठे FYB फॉर्मचा ग्रुप कुठे गेला दहा चाळीस ला कसं काय टाकलंय मॅडमने एक सेकंड ओके मेरा ही लेक्चर है मैम का लेक्चर 2:15 ठीक है 2:15 को है मैसेज डाल लो ग्रुप पे मैसेज डाल दो मैम का लेक्चर 2:15 को है अभी मेरा लेक्चर ही चलेगा 11 तक राइट नेक्स्ट 15 मिनट मेरा लेक्चर चलेगा डेफिनेटली ठीक है उसके बाद तुम लोगों का विजय सर का लेक्चर है ऑल राइट सब लोग आ गए 72 ग्रुप पे मैसेज डालो और उन लोगों को बोलो रिज्वाइन करने के लिए राइट नहीं तो फिर एबसेंटी लगेगी ठीक है ओके सो
हम लोग क्या देख रहे थे, बेरियम सल्फेट यहाँ, सॉरी बेरियम क्लोराइड यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl रिएक्ट करने के बाद हम लोग को मिलेगा बेरियम सल्फेट मिलेगा, कौन मिलेगा, बेरियम सल्फेट प्लस KCl मिलेगा, राइट, प्लस कौन मिल रहा है, KCl। तो यहाँ पे क्या दिया है, सो द कंपेरिजन ऑफ टर्बिडिटी इज डन विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड सैंपल भी लेंगे और टेस्ट सैंपल भी लेंगे, तो कंपेरिजन करना है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट में कितना टर्बिडिटी क्रिएट हो रहा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट में कितना टर्बिडिटी क्या हो रहा है, बन रहा है, राइट, दैट इज वहां से हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सल्फेट हमारे सैंपल में प्रेजेंट है, राइट, ओके। The barium chloride test solution in the IP has been replaced by barium sulfate reagent, which is having a barium, which is having a barium chloride, barium sulfate free alcohol, sorry, sulfate free alcohol, and a solution of potassium sulfate. Potassium sulfate has been added to increase the sensitivity of the test. क्या दिया इन्होंने? Barium chloride is barium chloride test solution in the IP has been replaced by barium sulfate reagent, which is having barium chloride. Okay, उसके अंदर barium chloride और sulfate free alcohol plus sulfate free alcohol and a solution of potassium sulfate. Okay, potassium sulfate. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट यूज करेंगे, पोटेशियम सल्फेट ऐड करते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया, देखना, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फार्माकोपिया उन्होंने क्या किया है कि बेरियम बेरियम जो क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड को उन्होंने रिप्लेस किया है बेरियम सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट के साथ, है ना, बेरियम सल्फेट के साथ। देखो, द बेरियम क्लोराइड टेस्ट सोल्यूशन इन आईपी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय बेरियम सल्फेट रिएजेंट विच इज हैविंग बेरियम क्लोराइड, मतलब क्या, बेरियम सल्फेट का ही सोल्यूशन है लेकिन उसके अंदर कुछ छोटे छोटे अमाउंट की बेरियम क्लोराइड की ट्रेसेस भी प्रेजेंट है, राइट, मतलब क्या है ये, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एज वेल एज यूअर बेरियम क्लोराइड, है ना, बेरियम क्लोराइड, ओके। So, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला सॉल्यूशन उन्होंने यूज किया है, किसमें, आईपी में, आईपी वालों ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ बेरियम क्लोराइड को उन्होंने रिप्लेस कर दिया किसको, कॉम्बिनेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड वाले सॉल्यूशन को, राइट, और उन्होंने उसके साथ और क्या यूज किया है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो अभी ये क्यों यूज किया पोटेशियम सल्फेट, तो हमारी जो ये टेस्ट थी, ये टेस्ट की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया यहाँ पे, पोटेशियम सल्फेट, हम लोगों ने क्या यूज किया यहाँ पे, पोटेशियम सल्फेट यूज किया, राइट, ओके, देखते हैं, हम लोग इसकी वीडियो भी देखेंगे तभी तुम लोगों को पूरा का पूरा समझ में आएगा, राइट। सो देखना यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, देखो तो कैसे किया है, टेस्ट सैंपल में देखना कि स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड लिया है, वाटर के अंदर डिजोल्व किया है, ठीक है, देन उसके बाद में उसको नेस्ले सिलेंडर में शिफ्ट किया है, 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड किया है, वॉल्यूम मेकअप लिया 45 ml, 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट एड किया, 5 ml ऑफ बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड किया, स्टर किया और 5 मिनट साइड में रख दिया, तो टर्बिडिटी आ गई। सेम 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा ऐड किया उन्होंने, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है 1 ml ऑफ 0.1089 वेट बाय वॉल्यूम का उन्होंने सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर 2 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, 45 ml वॉल्यूम मेकअप किया, 5 ml बेरियम सल्फेट डाला एंड 5 मिनट उसको स्टर करके साइड में रख दिया, तो टर्बिडिटी मिल गई। सो दिस इज योर लिमिट टेस्ट फॉर वॉट, सल्फेट, है ना, दिस इज लिमिट टेस्ट फॉर यूर सल्फेट, ओके। सो रीजन क्या है, देखो, बेरियम सल्फेट रिएजेंट कंटेन बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री एल्कोहल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट, है ना, तो जो हम लोग बेरियम सल्फेट यूज करने वाले हैं रिएजेंट, है ना, इंस्टेड ऑफ, किसके जगह पे हम लोगों ने इसको यूज किया है, बेरियम क्लोराइड के जगह पे हम लोगों ने इसको यूज किया था, क्योंकि हम लोगों ने, हमारे इंडियन फार्माकोपिया में उन्होंने क्या बोला था, बेरियम क्लोराइड को तुम लोगों को किसके साथ रिप्लेस करना है, बेरियम सल्फेट के रिएजेंट के साथ रिप्लेस करना है ना, तो क्यों करना है, क्योंकि यही बेरियम सल्फेट के रिएजेंट के अंदर हम लोगों को बेरियम क्लोराइड मिल रहा है, सल्फेट फ्री एल्कोहल, है ना, देन उसके बाद में स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट भी मिल रहा है, राइट, ओके। सो इसका रीजन क्या है, देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स टू मेक दी सॉल्यूशन एसिडिक, है ना, तो एसिडिक एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, पोटेशियम सल्फेट इज यूज टू इंक्रीज दी सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट बाय गिविंग आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, तो
पोटेशियम सल्फेट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, तो जो भी रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन सेंसिटिविटी, रिएक्शन की सेंसिटिविटी यूज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट ऐड कर रहे हैं, राइट। देन नेक्स्ट वन इज अल्कोहल हेल्प टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन सो प्रोड्यूस अ मोर यूनिफॉर्म ओपेलेसेंस, है ना। तो सुपर सैचुरेशन होता है, एक टर्म है ये, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, बस इसको ऐसे कैसे याद रखना, सुपर सैचुरेशन मतलब क्या है, राइट। सुपर सैचुरेशन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग अल्कोहल डालते हैं, क्या करते हैं, सुपर सैचुरेशन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल डालते हैं, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीजन बिहाइंड दी वी यूज, है ना, हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा रीजन वहां पे दिया है उन्होंने, राइट। ओके, तो देखते हैं अभी उसके, अभी क्या करेंगे, एक वीडियो देखेंगे, रुको रुको, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हम लोग देखते हैं, वन सेकेंड। Helps you do this. It helps you rewrite full sentences to improve clarity and help cut down on हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट करने का प्रोसीजर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट मतलब अगर कोई सब्सटेंस या कोई सैंपल में स्मॉल अमाउंट की जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है उसको टेस्ट करने के लिए, मीन्स उसको डिटेक्ट करने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसी को हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। और यहाँ पे हम अगर सल्फेट का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हमारे कोई सैंपल या कोई सब्सटेंस में सल्फेट की इम्प्योरिटीज है तो उसको हम लिमिट टेस्ट करके पता लगाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट करने के लिए हमको किन किन केमिकल्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हमको चाहिए पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट जिसका कंसंट्रेशन हमको बनाना होता है 0.1089% वेट बाय वॉल्यूम। हमने यहाँ पे 20 ml पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है। उसके बाद हमको नेक्स्ट चाहिए डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर के बाद हमको चाहिए बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ये जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है इसको बनाया जाता है बाय मिक्सिंग 15 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन होता है 0.5 molar। और इस 15 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में 55 ml वाटर ऐड किया जाता है और 20 ml इथेनॉल, और इसमें ऐड किया जाता है 5 ml पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन होता है 0.0181%। और इसके बाद इस सॉल्यूशन को अप टू 100 ml तक डाइल्यूट किया जाता है। तो ये जो रिएजेंट बनता है वो बेरियम सल्फेट रिएजेंट कहलाता है। इसके बाद हमको नेक्स्ट केमिकल चाहिए डाइल्यूट HCl। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन बनाया है ऑफ नोन कंसंट्रेशन, मीन्स पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना होता है जिसका कंसंट्रेशन होता है 0.1089%। और इस पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन को हम 1 ml ट्रांसफ़र करते हैं 50 ml नेस्लर सिलेंडर में। 1 ml पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन मीन्स स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन को नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 ml डाइल्यूट HCl। 2 ml डाइल्यूट HCl नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम अप टू 45 ml तक डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे नेस्लर सिलेंडर में, जिसमें हमने स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन और 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड किया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो कि हमने पहले से बनाया था। इस 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट को हम उस नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद उसको ग्लास रॉड से अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको 5 मिनट के लिए रख दिए। अब हम सेम प्रोसीजर टेस्ट सैंपल के साथ भी करेंगे जिसमें हमको सल्फेट के इम्प्योरिटीज़ को चेक करना है। 1 ml सैंपल लेंगे और 1 ml सैंपल लेने के बाद उसको एक अलग दूसरे नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद अगेन हम सेम क्वांटिटी मीन्स 2 ml डाइल्यूट HCl को ट्रांसफ़र करेंगे नेस्लर सिलेंडर में और उसके बाद नेस्लर सिलेंडर में अप टू 45 ml तक डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे। अप टू 45 ml तक डिस्टिल वाटर को नेस्लर सिलेंडर में ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट।
जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऐड किया था उतना ही वैसा ही अमाउंट हम टेस्ट सैंपल में भी ऐड करेंगे। और उसके बाद उसको अच्छे से ग्लास रॉड की मदद से मिक्स करेंगे और उसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और दूसरा टेस्ट सॉल्यूशन है, दोनों में टर्बिडिटी है, मीन्स दोनों सॉल्यूशन क्लाउडी है। अब जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी होती है उसको टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से कंपेयर किया जाता है, और अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होती है, इसका मतलब हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को पास किया। और अगर जो है टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से अगर ज़्यादा होती है तो हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को फेल हुआ। तो जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब हमारा जो सैंपल था वो लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट को पास किया। इस टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है इस बेरियम सल्फेट रिएजेंट में प्रेजेंट होता है बेरियम क्लोराइड, और ये बेरियम क्लोराइड सॉल्युबल सल्फेट के साथ केमिकली रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl और बनता है बेरियम सल्फेट। और ये जो बेरियम सल्फेट होता है वो एक सॉलिड वाइट पार्टिकल होता है और जिसकी वजह से टर्बिडिटी होती है इन द सॉल्यूशन। और अगर हमारे सैंपल में बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से जो टर्बिडिटी हुई है वो अगर ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसका मतलब हमारा सैंपल लिमिट टेस्ट को पास नहीं किया। तो जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसकी टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का प्रोसीजर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हेलो गितेश, गितेश ओके, मुझे ये बताना बेटा कि हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड की इसके अंदर कौन सा रिएजेंट यूज किया है, बताना गितेश जरा मुझे। ये जो हम लोगों ने अभी लिमिट टेस्ट देखी तो ये जो बी जो हम लोगों ने अभी ये सल्फेट की जो लिमिट टेस्ट की है उसके अंदर हम लोगों ने कौन सा रिएजेंट यूज किया बताना गीतेश। जल्दी बताओ। ओके आई पुट एबसेंटी इन योर ओके रजिस्टर। ओके तो आपकी एबसेंटी लग गई, ठीक है। सो आप देख लेना अभी जो भी करना है वो कर लो, ठीक है। ओके जिसको भी जाके कंप्लेंट करनी है आप कर सकते हो। ऑल राइट ओके। सो ये हो गया तुम्हारा टेस्ट सोल्यूशन, सॉरी लिमिट टेस्ट हो गया, ठीक है। सो मैंने इसका ये कॉपी कर लिया है और ये यहाँ पे मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। और वेट अ सेकेंड मुझे प्रेजेंट लेने दो। ओके थैंक यू। चलो तुम लोग अभी मीटिंग लीव कर सकते हो, ठीक है।